बाहर बाहर आ गए शेट। और भाइयों बंदो क्या हाल है। सो फाइनली हमारे पास आ चुका है F1 2022। ये गेम आज ही रिलीज हुआ है, मैं फर्स्ट हैंड ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कैसा होगा। मैं बहुत बड़ा F1 फैन हूँ, सो देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और आज हम इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन लेके आए हैं, वो मिशन है अपने हिंदुस्तान का शान बान आन टाटा मोटर्स को फॉर्मूला 1 में उतारने का। और रियलिटी में ये थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए, बट F1 22 में हम लोग ये इजीली कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। सो आज टाटा मोटर स्पोर्ट्स टीम बनाएंगे और उतरेंगे F1 के मैदान पे एंड कम्पीट करेंगे USA, जर्मन, इटालियन कंपनीज लाइक फरारी इनके साथ ऑन द फॉर्मूला 1 ग्रिड। और मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है जो मेरा टीममेट बनेगा, जो कि अपना इंडिया का शान है और अभी करंटली F2 के चैंपियनशिप में P3 में है और होपफुली जीत भी सकता है। शुरू करते हैं अपनी जर्नी ऑन F1 22 और शुरू करते हैं अपनी जर्नी फॉर टाटा मोटर स्पोर्ट्स। सो गेम में घुसते ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सा माहौल है। EA स्पोर्ट्स ने सारा कुछ रिनोवेट किया हुआ है यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कि आते ही आपको F1 लाइफ काफ़ी प्रमोटेड मिलेगा। सो F1 लाइफ एक तरह से उनका रीब्रांडिंग है, जहाँ पर उन्होंने F1 ड्राइवर कैसा अपना ज़िंदगी जीता है और कैसे उनके पास नई नई गाड़ियाँ आती है, क्या क्या करते हैं वो लोग, कैसे कपड़े पहनते हैं, लाइफ स्टाइल हम लोग गेमर्स जी सके, सो वो प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। सो हमारा मेन मिशन है टू मेक टाटा मोटर स्पोर्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यू करियर। माई टीम में हम लोग अपनी खुद की टीम बना सकते हैं जो कि कम्पीट करेगी विद अदर टीम्स। सो टाटा मोटर स्पोर्ट्स जब F1 में घुसेगा, सो मुझे लगता है वो मिडिल ग्राउंड में रहेगा, ना पीछे ना आगे। सो ना ही वो हारेगा ना ही जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है काफी मिडिल ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेगा। सो काफी सारे सेटिंग्स पूछ रहे हैं यहाँ पर, मैंने सारा कुछ देख लिया कर दिया है। तो डायरेक्टली घुसते हैं अपनी टीम पे। सबसे पहले हम लोग को अपना ड्राइवर बनाना है। सो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ड्राइवर जो कि एकदम इंडियन दिखता हो, कंट्री अपना तो एक ही भारत देश है, ये बंदा थोड़ा सुनील शेट्टी टाइप का दिखता है, सुनील शेट्टी रखते हैं नाम इसका। तो अब मैं इसे क्लोथिंग भी चुन सकता हूँ और इसको अब टाटा मोटर्स की तरह कलर देना पड़ेगा, सिल्वर, ब्लैक और कभी कभी ब्लू, ये तीन कलर काफी ज्यादा दिखते हैं। तो मैं अभी अपनी कार के ऊपर यही वाले कलर्स यूज करना चाहूंगा। ओके, सो अब मेन काम है। तो अब हम लोग से टीम का नाम पूछेंगे और टीम के बारे में पूछेंगे। स्पॉन्सर्स हम लोग को एक पर्टिकुलर गोल देते हैं और अगर वो गोल हम लोग अचीव कर लेते हैं तो हम लोग को स्पॉन्सर की तरफ से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम मिलती है, जो कि हम लोग अपनी टीम डेवलपमेंट पर यूज कर सकते हैं। अब हम लोग से पूछ रहा है कि पावर यूनिट सप्लाई कौन सी कंपनी का हम लोग को अपने कार में लगानी है। बोथ परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी फ्रॉम आवर पावर यूनिट, बट वी आल्सो नीड टू बैलेंस द बुक्स, वी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ अदर एरियाज टू इन्वेस्ट आवर कैश इनटू। सो हमारे पास चार ऑप्शंस है, रेनॉल्ट, रेड बुल पावर ट्रेन्स, मर्सिडीज इंजन और फरारी का इंजन। सीजन के हिसाब से सबसे बेस्ट इंजन तो फरारी का है, सबसे फास्टेस्ट जा रहा है वही, और रेडबुल और मर्सिडीज भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। रेनॉल्ट तो अब गायब हो चुका है, तो हम लोग को सिस्टमेटिकली देखना पड़ेगा कौन सा ले। परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया फरारी का ही है, रेडबुल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस ड्यूरेबिलिटी थोड़ा कमजोर है रेडबुल का, और मर्सिडीज एकदम मिडल पे है। एक काम करते, थोड़ा पैसा बचाते है और रेडबुल के लिए जाते है ताकि आगे हम लोगों को काम आए, हम लोग रेडबुल के साथ काम कर सकते हैं। सो अब टाइम है टीममेट का, और मैं जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, टीममेट के लिए तो एक ही बंदा है जो अपने इंडियन टीम में अपना सपोर्ट कर सकता है, और वो बंदा शायद आप लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे, F2 में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जेहान दारूवाला, अपना देश का शान और आन और बान जेहान दारूवाला, जो F2 चैंपियनशिप में अभी P3 में है। तो उसका बहुत ज्यादा चांस है रियलिटी में F1 टीम में घुसने का। उसके रियलिटी में घुसने से पहले हम अपने टाटा मोटर स्पोर्ट्स में पहले ही घुसा देते हैं F1 टीम में। सो हमारा टीम एक तरफ सुनील शेट्टी, एक तरफ जेहान दारूवाला, और हम लोग कमाल कर देंगे टाटा मोटर स्पोर्ट्स में।
तो अभी हम अपने कार का पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। कुछ कलर चेंजेस करने के बाद मुझे ये कलर काफी पसंद आया, जो कि हमारे थीम के हिसाब से परफेक्टली जा रहा है और टाटा मोटर्स को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ब्लू, ब्लैक और थोड़ा सा ऑरेंज, क्योंकि इंडियन टीम का थोड़ा कलर भी डालना था, तो ब्लू और ऑरेंज इंडियन टीम का कलर काफी समय से रहा है। भाई सही बताऊं, क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है ये कार। सीरियसली मुझे लगता है फील्ड में सबसे बेस्ट लुकिंग कार यही होगा। रतन टाटा सर बहुत खुश होंगे। Last but not least, we need to consider our brand, our badge and team colors. Gloves, जूते और कार का कलर सब मैच कर रहे हैं। अब बहुत सही लग रहा है। तो मुझे टी ढूंढना है, क्योंकि टाटा मोटर्स का टी। सो मुझे टी तो कहीं नहीं मिला, लेकिन सबसे जो सेम लग रहा था वो ये है। सो फाइनली सारा टीम का कलर तैयार है। Hello folks and welcome to this, a very special edition of Paddock Pass. We're here at the headquarters of Formula One's newest team for an exclusive first look at what they will be bringing to the sport. It's always an exciting moment to welcome a new team onto the grid. However, पूरे फैक्ट्री में सब लोगों ने अपने टीम के कलर्स पहने हुए हैं और काफी सही लग रहे हैं। Yep, the long-awaited new regulations are finally here. यार ये कलर, ये ब्लू देख रहे हो आप, क्या कलर लग रहा है यार, इलेक्ट्रिक ब्लू। This is a change of direction to the regulations aimed at promoting closer racing, with new aero additions in the form of swooping. टाटा नेक्सॉन में भी ऐसा कलर आता है शायद से। Low profile tires that will push tire technology to the limit. So then, the question remains as to whether this team can grasp the opportunity before them with both hands. And lead the charge against the rest of the paddock. We'll find out soon enough, as the new season is just about to begin. But first, let's see the unveiling of the team's car and meet the owner of the brand new Formula One team. यार मैं खुद से इंप्रेस हो गया यार, क्या मस्त लग रहा है कार। It's been wonderful to see behind the scenes. As you might expect, I've got about a million questions, so let's jump straight in. सुनील शेट्टी से क्वेश्चन पूछ रहा है। Last saw a team owner take their own car onto the track, and the sport's changed enormously in the intervening years. काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग यार। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस जो पूछते हैं हमसे, उसका आंसर हम लोग के टीम के डेवलपमेंट पर इफेक्ट करता है। सो आप लोग देख सकते हैं, जब भी मैं आंसर कर रहा हूँ तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स आता है जो बोलता है कि ये डिपार्टमेंट नोटिस करेगा, एरो डिपार्टमेंट या इंजन डिपार्टमेंट नोटिस करेगा। तो बेसिकली मेरे क्वेश्चन के आंसर्स उनको मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं अगर मैं गलत आंसर दूं तो। एकदम जवान सुनील शेट्टी लग रहा है यार ये। सो हम लोग अपने फैक्ट्री में है और यहाँ पर हम लोग अपना फैसिलिटीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं, तो गाड़ी को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या है। F1 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट। तो गाड़ी की डेवलपमेंट हर रेस के बाद होती रहनी चाहिए ताकि वो परफॉर्मेंस उसकी काफी अच्छी रहे। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये लिस्ट में फरारी सबसे टॉप में है और हम लोग टाटा मोटर स्पोर्ट्स इन द मिडल है एकदम। तो हम लोग को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ताकि उनके लेवल तक पहुंच सके, और वो लोग अपने डेवलपमेंट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, जो है वो लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग को कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि हम लोग रेस में बने रहे। हम लोग के पास 1000 डेवलपमेंट पॉइंट्स है, हम लोग किसी भी चीज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं सब लोग कैसे कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमारा चार्ट यहाँ पर है बहरेन तक, और बाकी लोग ने काफी अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हुए हैं यहाँ पर। जैसे हर रेस के बीच में एक वीक या दो वीक का गैप रहता है, तो उसमें हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करनी है हम लोग को एज अ टीम, ताकि वो हम लोग के डेवलपमेंट में काम आए। पहले हफ्ते हम लोग ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप रखते हैं ताकि जेहान और अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हो जाए रेस से पहले। थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि लोगों को पता तो लगे कि टाटा F1 में आ चुका है। सो टाइम एडवांस करते हैं और डायरेक्ट रेस वीकेंड में चलते हैं।
as we continue to increase our acclaim, more potential partners become willing to work with us. We can now approach an additional sponsor from the corporate tab. So race weekend aa chuka hai. Chalte hain race mein aur dikhate hain Tata Motor Sports ki taakat. So FP1 जो कि है Practice 1, तो चलते हैं Practice 1 में और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हम. मेरे पास Logitech G29 है जो कि परफेक्ट है F1 22 के लिए. सो लेट्स गो. पहला रेस बहरीन में है और फर्स्ट इम्प्रेशन ग्राफिक्स हिसाब से काफी बढ़िया है, काफी सही ग्राफिक्स आ रहे हैं. Just wanted to say thanks for trusting me as your race engineer. I won't let you down. The car's ready to go, but it's brand new of course, so there may be a few issues here and there. We'll be keeping a close eye on all the data from here. तो प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग के पास ऑप्शंस है प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करने का, जो कि हम लोग की कार का डेटा हम लोग के टीम को दे सके और डेवलपमेंट में काम आ सके. और चलते हैं ट्रैक पे और देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है हम लोग का टाटा मोटर स्पोर्ट्स का पहला F1 कार. There'll be a lack of rubber out on track, so take it easy for the first couple of laps. फोर स्पीड है, काफी सही है. पहला इंप्रेशन काफी सही है. फोर्स फीडबैक मेरे स्टीयरिंग व्हील पे काफ़ी ज़ोरदार है, तो मुझे सारे मूवमेंट्स पता लग रहे हैं. और जैसे मैं कभी भी ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है और गाड़ी पूरा मेरा स्टीयरिंग व्हील पूरा हिल जा रहा है. काफ़ी सही है और ग्राफिक्स आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी शानदार ग्राफिक्स आ रहे हैं. तो अभी मेरा गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पे चल रहा है मेरे पीसी पर RTX 3080 है, 32 GB रैम, AMD का Ryzen 7 5800X. सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इजीली 60 FPS पार कर रहा है. मैं आपको कुछ दूसरे एंगल्स भी दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ ग्राफिक्स दिखेंगे. जैसे बाहर का एंगल इसमें देख ही सकते हैं कितने ज़बरदस्त दिख रही है ग्राफिक्स. रे ट्रेसिंग भी है, रे ट्रेसिंग की सेटिंग इसमें अल्ट्रा है. अभी ये वाला एंगल सबसे बेस्ट है, इसमें रियल लगता है, इसमें लगता है कि हम लोग एक्चुअली में F1 कार में है. तो हमारा पहला रेस बहरीन में है और ये फर्स्ट प्रैक्टिस है उसका. ओ शेट, पहली रेस पे ये हो गया. ओ ओ बाहर बाहर आ गए, शेट. काफ़ी कुछ सीखने को है अभी, तो अभी के लिए इतनी प्रैक्टिस सही है. अंदर चलते हैं पिट पर. सो पिट असिस्टेंस एक फीचर है जो ऑन है. सो उसमें मैं पिट में जाते ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल ले लेता है और पिट लिमिटेड स्पीड में एंट्री होती है ताकि कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो.
काफी अच्छे एनिमेशंस भी यूज किए गए इस बार। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आज हमने अपनी फॉर्मूला वन टीम टाटा मोटर स्पोर्ट्स को फाइनली उतार दिया है F1 के ग्रिड पर। नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेस। सो इस एपिसोड में आपने देखा कैसे हमने पूरी टीम को तैयार किया, एकदम रेडी है अब रेस के लिए। जेहान दारू वाला भी रेडी है। नेक्स्ट एपिसोड में बहरेन टाटा मोटर स्पोर्ट्स इन द F1 ग्रिड हम लोग कम्पीट करेंगे चैंपियनशिप पॉइंट्स के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नेक्स्ट एपिसोड रिलीज हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।